9 o'clock, जी देख चुका हूँ किसी का इंतजार कर रही है. Sorry, honey, I'm late. Sorry. Damn it, look at her, Jay. भूल जा. कैसे? शराब. Perfect. Jessica, send your finest bottle of Chardonnay to that Indian girl there. Sure. 200 पाउंड मुझे दे दे यार. पैसे क्यों बर्बाद कर रहा है? और वैसे भी वो किसी के साथ है. गोरिये के साथ है. 2-3 महीने चलेगा मैक्स. उसके माँ बाप को जैसे ही पता चलेगा उसकी शादी किसी बोरिंग माइक्रोसॉफ्ट टेकी टाइप के साथ करवा देंगे जिसके पास पैसे ज्यादा है और बाल कम. थिंक ऑफ इट जे, अगर मैं उसके पास नहीं गया तो उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान ने उसके लिए क्या भेजा है? आई एम द टोटल पैकेज जे. सॉरी सुपरमैन, योर बॉटल गॉट टर्नड डाउन. व्हाट? योर पैकेज गॉट रिजेक्टेड. वैसे निक, तू सही कह रहा है. उसे कैसे पता चलेगा कि भगवान ने उसके लिए क्या भेजा है? अरे सोच क्या रहा है, उस लड़की का फ्यूचर तेरे हाथ में है. गो गेट आउट. गो. और सुन, खाली हाथ मत लौटना. अगर सारा टाइम अपने भाई के साथ बिताओगी तो बाकी लड़कों को चांस कैसे मिलेगा? एक्सक्यूज मी, डू यू नो हिम? नो. वही तो चेंज करने आया हूँ. बस इतना बता दो, क्या तुम इससे शादी करने वाली हो? प्लीज लीव अस अलोन. अगर तुम इसे शादी नहीं करने वाली हो तो लेट मी टेक यू आउट फॉर डिनर टुमॉरो नाइट. दैट्स इट. राइट. मैं 6 फुट का हूं, तुम 5 फुट 8 इंच की लगती हो. वी लुक ग्रेट टुगेदर. आई डोंट बिलीव दिस गाय. टेल हिम टू स्टॉप स्पीकिंग इन हिंदी. शादी के बाद हैम्स्टर्ड में एक घर, 2 गाड़ियां, 2 बच्चे और 1 डॉगी. पाव पाव द परफेक्ट लाइफ. कितनी लड़कियों पे ये स्टंट ट्राई कर चुके हो? Are you flirting with him? Honestly, मैं बहुत बोरिंग इंसान हूँ. ऐसा पागलपन किसी ने इंस्पायर नहीं किया. तो पहले Brian, what are you doing? What's wrong with you? What's wrong with me? What's wrong with you? What are you doing to the poor guy? He's bleeding. Radhika, whose side are you on? You know, you're a bitch. इज्जत से बात कर. मेरी भाभी है ये. Losers. एक दिन क्या सॉलिड फ्लैशबैक बनेगा ये. अगर रुकना नहीं था तो आए क्यों? जानना नहीं चाहते मैंने तुम दोनों को अपना कार्ड क्यों दिया? बार्स में बैठकर लड़कियों की तरह रोने के बजाय शीशे में अपने आप को देखो. तुम दोनों में बहुत कुछ है लेकिन उसे पहचानने की अकल नहीं है. मेरे 3 ब्रांचेस हैं, लंदन, न्यूयॉर्क और टोक्यो. मुंबई में लाइसेंस का लफड़ा चल रहा है. फॉर्म यहां है, दरवाजा वहां है, चॉइस तुम्हारी है. चेस्ट, biceps, size. Fantastic career move.
सुपर प्लान जे, मैं बाहर वेट कर रहा हूं। निक, निक, वो थोड़ा पागल सा है, प्यार में है बेचारा। He's in love. What is love? Baby, don't hurt me no more. प्यार तो तुम्हें भी है। The only difference is कि प्यार की वजह से वो बाहर खड़ा है और तुम ये फॉर्म भरोगे। Name Jerry Patel. Just 42. Biceps 20. मेरे हैं। हाँ? अपने 16 लिख। 16. Size 11. Sexual preference. Female. Good. Obviously female. Sir, sign to karne dijiye. Uski koi zarurat nahi. Like I said, tumhe pehchanne ki deri thi. Aaj se tumhara naam Rocco hai. Tumme wo har qualification hai jo ek male escort mein honi chahiye. सर मुझे करना क्या होगा? तुम खुशी बांटोगे? सांता क्लॉस छुट्टी पे है। लोनली, दुखी और बोर्ड औरतों को कुछ पल के लिए लाइफ के प्रॉब्लम्स को भुलाकर तुम उन्हें खुश करोगे। इट मे बी शॉपिंग एंड इंटीमेट डिनर या बॉयफ्रेंड को जेलस करना या सिनेमा में ले जाना लड़कियों को। राइट इसमें तुम्हें वक्त और एड्रेस मिलेगा। ओके, समझे? नए नाम की आदत डाल लो। Hi, I'm Rocco. I'm Rocco. Now I'm back to complete my last semester. Excuse me. Oh, sorry. Sorry. Excuse me, Professor. क्या मैं जान सकता हूँ आपने मुझे क्लासरूम से बाहर क्यों निकाला? क्योंकि तुमने मुझे वापस फोन नहीं किया. फोन नहीं किया? आपने मुझे कब कहा फोन करने के लिए? 12 साल पहले. What do you mean by 12 साल पहले? जब सीनियर ईयर में तुम मुझसे प्रॉक्सी लगवाते थे, मेरे नोट्स कॉपी करते थे और एग्जाम्स में मेरे पीछे बैठकर मेरा पेपर कॉपी करते थे। तानिया शर्मा, उसके बावजूद मैं फेल हो गया। इधर इधर ताने। क्योंकि तुम ठीक से कॉपी भी नहीं कर सकते थे। और कॉपी तो छोड़ो, you didn't even recognize me. मैं तुम्हें कैसे पहचानता? तुम उस वक्त ब्रेसेस पहना करती थी, 50 किलो तुम्हारे कम हो गए। जिस तानिया को मैं जानता था वो डबल एक्सएल कपड़ों की सुपर डुपर मॉडल हुआ करती थी। एंड नाउ यू आर सो अनफिट। तुम बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, वेल थैंक यू। आई एम अ लिटिल कंफ्यूज्ड। या तो तुम कोई सुपर सक्सेसफुल वेबसाइट खोलकर तुम एक मल्टी मिलियनेयर बन गए और फिर बोर होकर वापस कॉलेज आ गए हो, या नो, मैं कोई मल्टी मिलियनेयर नहीं बना। हाँ, ये जरूर है कि धीरूभाई अंबानी, बिल गेट्स और जेरी पटेल में तुम जानती हो कॉमन क्या है? वो तीनों कॉलेज ड्रॉपआउट्स हैं। बस फर्क इतना है कि वो स्पेशल बंदे थे और मैं जो हूँ स्पेशली चैलेंज्ड हूँ। बेसिकली लाइफ ने उन्हें थपथपा के आसमान तक पहुँचा दिया और मुझे थप्पड़ मार के सीधे अपने ग्रेजुएशन के लिए पहुँचा दिया। तो ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का पहला टिप, तुम्हारी अगली क्लास 5 मिनट पहले शुरू हो चुकी है। व्हाट? टाइम कर रहे हो? दिखाना। थैंक्स फॉर गेटिंग मी लेट। रन जेरी रन। ये फैटसो। व्हाटएवर। आई डोंट ब्लेम यू फॉर बीइंग नर्वस। मैं भी ब्लाइंड डेट पे कभी नहीं गई। नहीं, वो बात नहीं है। ब्लाइंड डेट्स तो मेरी यूएसपी है। बट लास्ट टाइम जिसके साथ मैं डेट पे गया था, उसका ओवर पजेसिव वायलेंट एक्स बॉयफ्रेंड वहां आ गया। उसने मुझे Hey, I love that game. चलो। Look. कौन सा स्टफ टॉय चाहिए तुम्हें? कुंग फू पैंडा। और ये तुम्हारे लिए। स्टफ टॉयज को नहीं मानना है, कैंस को मानना है। गन प्लीज। लेट्स गो। ठहरो, ये मुझे चैलेंज कर रहा है। मैं वो पैंडा जीत के रहूंगा। Wow, I'm Ajay Bapat. मैं राधिका से इतना प्यार करता हूँ कि मैं उसके लिए किसी की भी जान ले सकता हूँ। अब फैसला तुझे करना है, क्या तू अपनी जान दे सकता है? ये कौन है? अजय, ex-boyfriend अजय, मेरा डेट। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राधिका, I think हमें चलना चाहिए। कौन सा स्टफ टॉय चाहिए तुम्हें? विनी द पू। वेल डन बेबी।
बस तुम्हारा चेहरा इमेजिन कर रही थी. लेट्स गो. लेट्स गो. किसी ने मुझे वापस फोन नहीं किया और तुम तो वैसे भी मेरे लीग से बाहर हो. मुझे लगा कि तुम्हें मेरा नाम भी नहीं याद होगा. डोंट बी सिली विजय. इट्स अजय. ओह, वो यहाँ तो नहीं आएगा ना? कौन? तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड. निक, तुम उस इडियट की चिंता मत करो. ओके. इज यस्टरडेज न्यूज. तुम मेरे फ्यूचर हो डाली. एंड यू स्मेल वंडरफुल. साउंड्स नाइस. सो टुमारो मेबी. मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ. आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ. उड़ो. आसमान को छूना चाहती हूँ, जहाँ कोई हमें नहीं रोक सकता. ओ, कोई नहीं. सो टेक मी. या टेक मी हायर अजय. या हायर. या हायर. 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 व्हाट? हाय निक. अंदर चलें. अंदर? हाँ, डेट तो अभी शुरू हुई है ना. हाँ. चल. ठहरो राधिका, शादी से पहले मैं हमें कोई गलत कदम नहीं उठाने दूंगा. चुपचाप वहां जाके बैठो. व्हाट द? वन टू थ्री. मैं अपने आप को रोक नहीं पा रही हूँ. आसमान में आजाद पंछी की तरह उड़ना चाहती हूँ. सो टेक मी हायर अजय. हायर. हायर अजय. हायर. Rads, मैं तुम्हें 3 साल से जानता हूँ. I know when you're faking it. You know what? You're right. मेरी परफॉर्मेंस बहुत खराब थी क्योंकि तुम्हारी तरह मुझे इन चीजों में एक्सपीरियंस नहीं है. मैं मदद करूँ Rads? Don't call me Rads. ये, सिर्फ मैं ऐसे Rads बुलाता हूँ. तेरा बहुत हो गया साले. और एक हाथ की पड़ेगी ना, तेरे नाक पाड़ी से गंगा जमुना बहने लगेगा. हाँ हाँ, तेरे पास बॉडी होगा लेकिन मेरे पास जिगर है. जिगर. विजय, आई थिंक यू शुड लीव. अजय, जो भी है निकलो. बट आई. बियर पिएगा? नहीं, आई एम स्ट्रिक्टली वेज. तो फिर ऑमलेट खिलाता हूँ, चल. नहीं, पर मेरी स्कूटर उधर पार्क है. स्कूटर से काम नहीं चलेगा. राधिका बहुत हाई मेंटेनेंस. इनकम टैक्स वाज फर्स्ट कलेक्टेड 1797. थैंक यू. टू फाइनेंस द वॉर अगेंस्ट द पुलिस. मिड टर्म्स के बाद सालसा क्लब ले गई, फाइनल्स के बाद डिज्नी वर्ल्ड ले जाना. आई नीड टू फोकस सनशाइन. सोच लो, मेरे पास पढ़ाई करने का फुल प्रूफ तरीका है. कोशिश भी करोगे तो भूल नहीं पाओगे. मैं तुम्हारे हर सही आंसर पर अपने कपड़ों में से एक चीज उतार दूंगी. तुम जितने सही आंसर्स दोगे, मेरे उतने कपड़े. Will you stop it, Tanya? मैं फेल नहीं, बर्बाद हो जाऊंगा. Relax. It's not that easy, huh? मैं बहुत मुश्किल सवाल पूछने वाली हूँ. 4 महीने से पढ़ रहा हूँ, 3-4 आइटम तो डेफिनेटली उतरेंगे. और वैसे भी ये गेम हम ग्रेजुएशन के बाद नहीं खेल सकते. फर्स्ट क्वेश्चन, इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ. मुझे नहीं पता. इनकम टैक्स की हिस्ट्री बताओ. फर्स्ट कलेक्टेड इन 1797 बाय द डच रिपब्लिक, इंट्रोड्यूस्ड इन द यूके इन 1799, अबॉलिश्ड इन 1816 एंड रीइंट्रोड्यूस्ड इन 1842. वेरी गुड. आई होप तुमने काफी लेयर्स पहने होंगे क्योंकि मैं इस वक्त फॉर्म में हूं. डिफाइन क्रॉस इलास्टिसिटी. Cross elasticity is when the price of one good affects the demand for another good. Example, अगर कॉफी का दाम बढ़ जाए तो लोग चाय पीने लगते हैं. जब पेट्रोल का प्राइस बढ़ जाए तो गाड़ियों की डिमांड गिर जाती है. और जब जेरी के आंसर्स निकलते हैं तो तानिया की शर्ट उतरती है. I want your shirt. I want your shirt. I want your shirt. Whoa, whoa, whoa. Next question. मल्टीपल चॉइस है तो ध्यान से सुनना. ओके. मैं तुम्हारे साथ ये गेम इसलिए खेल रही हूँ क्योंकि ऑप्शन ए मुझे बहुत गर्मी लग रही है, ऑप्शन बी ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका है, या ऑप्शन सी तुमने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं किया है. एसी चालू है तो गर्मी तो लग नहीं सकती. तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो. ऑप्शन बी. ऑप्शन बी ये रिवीजन करने का बेस्ट तरीका. ऑप्शन बी. थैंक गॉड मैंने इसके नीचे कुछ नहीं पहना था.
नहीं ऑप्शन ए सी सी ऑप्शन सी सी ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स इट्स डेफिनेटली ऑप्शन सी साले सब पढ़े लिखे एमबीए लग रहे हैं मुझे नहीं लगता मुझे यह नौकरी मिलने वाली है तुझे तीन फर्म्स ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिया है अब तो मेरी बात मान ले फुल प्रूफ प्लान है बकवास आइडिया तू उस कार्टून के साथ ज्यादा टाइम मत गुजारा कौन वो राधिका के डैड मिस्टर जेरी पटेल या दसवीं सोच ले जेरी सिक्योरिटी गार्ड बर्गर ज्वाइंट सिर्फ दो हफ्ते हुए तुम्हें अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट किए हुए और एनालिस्ट की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हो वेरी एंबिशियस आई मस्ट से सर मेरा रेज्यूमे आपको सिर्फ वो चीजें बताएगा जो मैं हुआ करता था वो चीजें नहीं जो मैं अब हूं सर बस मुझे एक मौका चाहिए सर जस्ट टू प्रूव माई सेल्फ यानी कि तुम हमसे सीखना चाहते हो और उसके लिए हमें तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे आई एम सॉरी पर जितने भी कैंडिडेट्स बाहर बैठे हुए ना वो तुमसे ज्यादा क्वालिफाइड है प्लीज डोंट वेस्ट माई टाइम हे राज हाँ शाम को मिलती है ना गोल्फ क्लब में सी यू बडी एंड लेट्स गेट अ ड्रिंक आफ्टर दैट बाय नो मुझे क्यों मार रहे हो डिल्लन साहब अरे नौकरी तो मांगने आया था छोड़ दो मुझे डिल्लन साहब क्या कर रहे हैं आप हाथ मत लगाओ मुझे डिल्लन साहब मैं तुम्हें छूगा रहा हूँ छोड़ दो मुझे मैंने पकड़ा कहा डिल्लन साहब दूर रहो मुझसे मेरा एनसाइक्लोपीडिया Get your hands off me! No, 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 no! Mera fish tank nahi. Mujhe pani mein mat dubao, mujhe tairna nahi aata. Please, stop finding Nemo in my fish tank. Dekho, tumhe counseling ki zarurat hai aur mujhe blood pressure ki machine ki. Help me! Help me! Help you! Help me! Close your slip, Dylan saab. Save me from this man! Thanks, I'm lost for the Dead Sea Boy! 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 मैंने पुलिस को बुला दिया है। प्लीज प्लीज पुलिस को मत बुलाओ मेरी नौकरी चली जाएगी असॉल्ट और वायलेंस के चक्कर में डिलन साहब कितने साल के लिए अंदर जाएंगे कम से कम 10 साल जब तक बाहर निकलेगा इसकी बीवी की दूसरी शादी और बेटी की पहली हो जाएगी नहीं नहीं प्लीज तुम जो चाहते हो मैं करने को तैयार हूँ सीनियर एनालिस्ट की नौकरी दे दूंगा इट्स ऑल योर्स नहीं सर सीनियर एनालिस्ट मैं अपने बल पर बनूंगा मैं आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि मुझे इस कंपनी की सबसे जूनियर पोजीशन के लिए कंसीडर करिए प्लीज ये रिक्वेस्ट है या धमकी मैं बताता हूं नहीं जस्ट वांटेड टू नो जनरल नॉलेज इसकी स्टार्टिंग सैलरी होगी 40,000 pounds प्लस बोनस एक इंडिविजुअल ऑफिस और साल में एक महीने की छुट्टी और आज के बाद गलती से भी ये इंसिडेंट डिस्कस मत करना धमकी इसे कहते हैं डिलन सेठ Oh, God. I'm his brother from a hard mother. Come, Jay.